नमस्कार दोस्तों, यह है 5 HP सोलर पंप जो कि यह पिछले साल लगा था। और यह रही इसकी डिलीवरी पाइप, जो कि इसकी डिलीवरी पाइप 150 फीट मिली है। और दोस्तों यह है टाटा कंपनी का सोलर पंप और स्टार्टर, ये यानी इसमें जो मिला है सब टाटा कंपनी का है। इसमें टोटल 15 पैनल टोटल मिले हैं, जो कि एक पैनल 335 वाट का है। और दोस्तों जो अब लगा है इस साल, उसमें 5 HP में कुल मिला के 10 पैनल यानी 9 पैनल मिल रहे हैं, 9 पैनल, जो कि एक पैनल लगभग 600 वाट के लगभग में है। क्योंकि हमने वीडियो जो बनाया है आपको यूट्यूब पे डाल के दिखाए हैं, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। और ये जो दो खंभे में है, एक खंभा ये, तो इस साल जो आ रहा है नया, वो एक ही खंभे में आ रहा है, यानी एक ही बम्बू यानी खंभे में पूरा पैनल सेट हो जा रहा है। दो जगह लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए, ये दो जगह लग गया है, एक ये होगा एक ये, तो ये देखिए। और दोस्तों ये 2023 में लगा था, इसकी प्राइस थी 1,09,000 रुपये, और इस साल जो लग रहा है उसकी कीमत है 1,27,000 रुपये। और दोस्तों इस साल जो लग रहा है, इस साल दूसरी कंपनी का लग रहा है, इस साल टाटा कंपनी का नहीं लग रहा है। और दोस्तों ये सिंचाई के लिए सबसे अच्छा यानी बेस्ट है। हमने एक पैनल आपको और दिखाया है, जो कि वो पैनल वो भी है और 5 HP का ही है, वो भी टाटा कंपनी का, लेकिन उसमें जो डिलीवरी पाइप मिली है उसमें 3 इंच की मिली है, और इसमें जो है डिलीवरी पाइप मिली है वो है 2.5 इंच की। और पानी तो बराबर देता है, क्योंकि 3 HP का रहेगा तो उसमें प्रेशर कम रहेगा, और 2.5 का रहेगा उसमें प्रेशर ज़्यादा रहेगा। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, आसपास में चना की खेती की गई है, और वहाँ पे भी एक पैनल लगा है दोस्तों। ये देखिए, ये पैनल है जो कि ये 3 HP का है। और दोस्तों इस साल जो नया लग रहा है, इस साल जो अब लग रहा है वो मॉडिफाई करके यानी नए तरीके से लग रहा है पैनल, और पिछले साल से पैनल बेस्ट हैं। क्योंकि जो पिछले साल पैनल लगे थे, इस साल हमने जो नया वीडियो बनाया है नए पैनल का, उसमें पानी ज़्यादा दे रहा है, उसका प्रेशर ज़्यादा है। और पिछले साल ये टाटा कंपनी का लग रहा था, इस साल प्राइमर एनर्जी कंपनी का लग रहा है पैनल, और इकोजन कंपनी का स्टार्टर है उसमें दोस्तों। और ये देखिए, एक पैनल 335 वाट का है। और ये देखिए दोस्तों, इसका केबल है, यहाँ केबल बचा हुआ है। और ये रहा, यहाँ पे स्टार्टर लगा है दोस्तों। और ये देखिए, यहाँ पे एक खंभा है यानी बम्बू है, ये गड़ा हुआ है, और ये यहाँ पे गड़ा है, इसमें दो खंभे हैं। और दोस्तों अभी हम आपको चालू करके दिखा रहे हैं ये पानी कितना दे रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी टाइम हो गया है, 5 बज गए हैं, यानी दिन डूबने वाला है। तो ये देखिए दोस्तों, अभी हमने पंप को ऑन किया, ये पंप ऑन हो गया है, अभी हम आपको चल के दिखा रहे हैं ये पानी कितना दे रहा है। यहाँ पे ये देखिए बोरवेल है, और हम चल रहे हैं समरसेबल के पास, यानी जहाँ इसका डिलीवरी पाइप है यानी लास्ट तक है। ये देखिए पानी देना स्टार्ट हो गया है, जो कि अभी दिन डूबने वाला है, यानी 5 बज रहे हैं, 5 बजे ये देखिए कितना पानी दे रहा है, ये इस समय 5 बज रहे हैं, ये देखिए इतना पानी दे रहा है। ये देखिए दोस्तों, 4:55 हो रहे हैं, यानी 5 बज रहा है दोस्तों, और 5 बजे के टाइम में ये इतना पानी दे रहा है दोस्तों। ये देखिए, जो कि पानी ठीक ही दे रहा है, क्योंकि अभी ये दिन डूबने वाला है तो इतना पानी दे रहा है। और जितना धूप अगर तेज धूप होती, जैसे 12-1 बजे, तो और जबरदस्त पानी देता। अभी हम दोस्तों पैनल को यानी ये समरसेबल को हम कर देंगे आप, क्योंकि यहाँ पे फसल जो है पक गई है, इसको चलाने के लायक यानी पानी जरूर नहीं है, तो अभी हम पंप को कर देंगे आप। और ये देखिए पंप ऑन लिखा है, अभी पंप ऑफ हो जाएगा, ये हुआ पंप ऑफ। और कुछ इस तरीके से इसका स्टार्टर है, जो कि इसमें टाटा कंपनी लिखा हुआ है, और नीचे से ये केबल आया है, ये पैनल का दो केबल है, और ये पैनल जो है
ये गया है समरसेबल में, यहाँ से जाके यहाँ पे समरसेबल पास में ही है। और दोस्तों पैनल ऐसे जगह बहुत अच्छी तरीके से, यानी बहुत अच्छी जगह पे लगा है, क्योंकि यहाँ से देखिए यहाँ पे आसपास में कोई पेड़ नहीं है, और जिससे पैनल पे कोई छाया नहीं होगी और पैनल अच्छे तरीके से चलेगा, यानी समरसेबल, और पानी अच्छा देगा दोस्तों। तो बस यही दिखाना था दोस्तों। और इस साल दोस्तों ये सोलर पंप महंगा हो गया है, लगभग 17-18 हज़ार रुपये, और महंगा हुआ है, लेकिन दोस्तों उसमें फायदा है, बेनिफिट भी है, क्योंकि उसको कम जगह हमें उसको अच्छी तरीके से सेट किया गया है, और इसको मॉडिफाई भी कर दिया गया है, और पानी भी ज़बरदस्त दे रहा है दोस्तों। और ये पिछले साल का है दोस्तों। ये डिलीवरी पाइप हमने इसमें दो प्रकार की देखी, अभी हमने एक वीडियो और बनाया था, तो जो कि ये 3 HP में, यानी ये 3 इंच की पाइप थी, और इसमें 2.5 इंच की पाइप मिली है। तो पाइप तो दोस्तों इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पानी तो उतना ही दे रहा है, क्योंकि अगर 2.5 में रहेगी तो इसमें प्रेशर ज़्यादा रहेगा, और 3 की रहेगी तो इसमें प्रेशर थोड़ा कम रहेगा, और पानी उतना ही देगा दोस्तों। और देखिए कुछ दोस्तों इस तरीके से लगा है दोस्तों ये, और ये 2023 में लगा था दोस्तों। और दोस्तों अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों। और आप ये हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप कमेंट करके बताएंगे तो दोस्तों हमें ये पता चलेगा कि हमारी ये वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है दोस्तों। और जय हिंद दोस्तों।